इस वक्त हम अलीनगर प्रखंड क्षेत्र के धमवारा धमसैन पंचायत में हैं और मेरे साथ हैं प्रत्याशी के निवेदक जो तरन्नुम जी हैं, उनके निवेदक हैं जमशेद आलम जी और मुन्ना जी। ये बताइए किन मुद्दों को लेकर के आप क्षेत्र में जा रहे हैं? देखिए, मेरा मुद्दा यहाँ कई है, सबसे अहम मुद्दा है शिक्षा। हमारे यहाँ सारे शिक्षा का सुविधा है, हर एक सुविधा है, ट्यूशन है, मदरसा है, स्कूल है, हर चीज़ है और सब सरकारी है, कोई ये नहीं है कि प्राइवेट है, लेकिन लोग इससे दूर है। स्कूल जाने से बच्चे कतराते हैं, मदरसा जाने से बच्चे कतराते हैं, अब कोई बच्चा चला जाता है चावल के नाम पे, दाल के नाम पे। लेकिन मेरा मेन कारण ये है बताने का कि मैं हर गार्जियन को मोटिवेट करके, चाहे जिस तरह हो, उनका पैरदारी पकड़ के मैं उनके बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने का काम करूँगा। अगर आप जीतते हैं तो मुखिया होने के नाते किस तरह से आप समाज में विकास होगा जो सरकारी स्तर से जो हो रहा है? देखिए, यहाँ पर लोग कई प्रतिनिधि रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से काम किए हैं, लोग हमारे पिताजी को भी जानते हैं, जो उनका नेचर रहा है, स्वभाव रहा है, जिस तरह से उन्होंने सींचा है अपने पंचायत को, मैं उन्हीं के काम को आगे बढ़ाना चाहूँगा। अभी फिलहाल आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या देख रहे हैं क्षेत्र में? जल जमाव की समस्या है, गली गली, सड़कों पर, मेन रोड पे, हर जगह। आप आएँ, आप खुद जाएंगे, देख लेंगे कहाँ कहाँ जल जमाव है। आपकी नज़र में बताइए, आप अपने नज़र में क्या क्या समस्या दिख रहा है जिसे आप प्राथमिकता से अगर जीतने के बाद उसे समाप्त करें? देखिए, सबसे पहला मेरा गाँव अंधेरा में है, बिजली हर लाइट पे, ये पोल पे, खंभा पे लाइट लगना था, अभी तक मुश्किल से समझ लिए कि 2 से 3 वार्ड धमवाड़ा में लगा है, बाकी धमसान रूपसपुर हर एक वार्ड खाली है, जो कि एकदम लगना वाजिब था इलेक्शन से पहले पहले, सरकार उसका पैसा दे चुके, नहीं लगा है। इसका काम करेंगे। दूसरा, जल जमाव का जहां भी समस्या है, इसको नाली के द्वारा या जैसे भी हो, अगर हम आते हैं तो हमारा काम रहेगा, पहले इस संकट से हम दूर करेंगे। मेन कारण ये है, हाँ, जल जमाव का कारण। जी, ये बताइए कि जब आप जीत जाते हैं तो किस तरह से, जो शिक्षा की बात आप कर रहे थे, शिक्षा में किस तरह से लोगों को आप? हाँ, देखिए, हम ज़्यादातर ये कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं और गार्जियन टाइप के हैं, मैं उनको समझाऊंगा, मोटिवेट करूंगा कि देखिए, शिक्षा से ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। अब बच्चे को अगर 10 साल नहीं कमाते हैं, उससे क्या कमा के देता है? 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया रोज़ यही देता होगा, लेकिन आप उसको अगर 10 साल पढ़ाते खिलाते तो हैं ही, 100 रुपया से क्या हो जाएगा आपका? 10 आदमी तो खा नहीं सकता है। अगर आप उसको पढ़ाते हैं तो वही बच्चा 20 साल के बाद आपको 10,000 कमा के भी दे सकता है, 20,000 भी कमा करके दे सकता है। इसी तरह करके जो भी इसमें लगेगा, मेरा प्रयास रहेगा, दिल से रहेगा, मैं करके चाहूँगा बच्चे लोग को लेकर के स्कूल मदरसा तक पहुँचवाऊँ। तो ये मुन्ना जी जो कह रहे हैं कि खास करके यहाँ मुख्य समस्या है जल जमाव और शिक्षा की बात है, क्योंकि यहाँ स्कूलें हैं लेकिन इसके बावजूद जो है लोग पढ़ने के लिए बच्चे जो है नहीं जा रहे हैं, और दूसरी बड़ी समस्या है कि जल जमाव की समस्या है सड़कों पे। इन्हीं समस्याओं को लेकर के क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। सुनील भारती, CTV अलीनगर।